नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। नमस्कार, एटीएच न्यूज 11 में आपका स्वागत है। मैं अभी ठीक चेनारी क्षेत्र के गुप्ताधाम नगरी के गाय घाट पर स्थित हूं, जो आज सुबह सुबह एक दर्दनाक घटना घट के सामने आई थी। मैं उसी जगह पे गाय घाट के पास स्थित हूं और मैं आज आया हूं इस घटना, ये घटना हुआ है कैसे, वही घटना का स्तर दिखाने के लिए आया हूं। आप देखिए किस तरह से ये जो आप देख रहे हैं बैरियर यहाँ पर लगा हुआ है, बैरियर बना के रखा गया है, लेकिन गाड़ी जा रही थी, अचानक गाड़ी में ड्राइवर में कुछ कमी आई होगी कहीं ना कहीं, जिस वजह से गाड़ी अनियंत्रित होकर जाके गड्ढा में गिर गई। और गड्ढा के बगल में एक पेड़ है, उस पेड़ पर भगवान कहिए या किसी के भरोसा कहिए, उस वजह से उस पर पेड़ के बदौलत वो गाड़ी जाके रुक गई। अन्यथा अगर पानी में गिरी होती तो कितना बड़ा हादसा और हो जाता, ये कहा नहीं जा सकता था। लेकिन किसी तरह वो रुक गई गाड़ी, जिसके वजह से 4 व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसमें लगभग 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अगले नंबर में आपके मीडिया चैनल को धन्यवाद देता हूं। मैं अमित कुमार रंजन, जिला उपाध्यक्ष युवा रजत रोहतास, वार्ड नंबर 7 पार्षद प्रतिनिधि। मैं आपको बता दूं कि पिछला बार भी घटना उसी जगह पे घटा था जो आज घटना घटी है, ठीक। और इस घटना का माने सारी जिम्मेदारी दिया जाए, सारा अगर ठिकरा फोड़ा जाए तो वन विभाग के CFO साहब के पर फोड़ा जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक मंदिर के पास करोड़ों रुपया अगर खर्चा किया जा रहा है, तो कमेटी जो एक कमेटी है वहाँ के गुप्ता धाम की बैठी थी, तो इस जगह के बारे में उनको इंगित सब लोग किया है, सभी लोगों ने सूत्रों के हवाले से हमको पता चला कि इंगित किया है लोग कि वहाँ पे रोड डैमेज है, क्या उनको भी पता है, जाते हैं वो गाड़ी देखते हैं तो उनको भी पता है कि नहीं यहाँ पे रोड डैमेज है, पिछला बार घटना है, तो पहले उस पर मतलब फोकस करना चाहिए, उसको बनाना चाहिए। एक मंदिर के पास करोड़ रुपया खर्चा, कोई ब्यौरा नहीं है, कहा गया लूट पाट बसोट 100% बनता था, ठीक। तो वहां पे हम समझ रहे हैं कि वहां पे करोड़ रुपया खर्चा किया जा रहा है, जाने में 5 लाख खर्चा है, 5 लाख किसको, ये जरूरी है, क्योंकि भूतपूर्व घटना घट चुकी और जबरदस्त घटना घटी थी, नीचे खाई में गिर गई थी पिकअप, तो इसमें सारा जिम्मेवार DFO साहब है और इनके ऊपर एक तनाशाह रवैये के हैं, अपने मन से कब फाटक खोलते हैं, कब बंद करते हैं, क्या करते हैं, बिल्कुल तनाशाही है इनमें, अफसरशाही है इनके अंदर। अगर अफसरशाही का उजागर होता है तो DFO साहब इसका प्रमाण दे रहे हैं कि नहीं हम तनाशाह हैं। हाँ, यानी गुप्ता धाम का मंदिर जरूरी है लेकिन रास्ता जरूरी नहीं है। वहाँ पे गबन करने के लिए जरूरी है ना, इन्होंने कितना पैसा गबन कर दिया, क्या किया क्या नहीं किया, तो ये जानते हैं। 4 लोगों की मृत्यु हुआ है, लगभग मतलब उसपे बहुत लोग सवार थे, कुछ 10-20 लोग, मतलब वो गिनती तो नहीं अभी नहीं किया सकता आता हाथ में, काफी लोग चोटिल हैं। पूरे मेले में मतलब वहाँ पे फोर व्हीलर का बैन किया गया था। इसके अभी कब खोलते हैं कब बंद करते हैं बोल रहे हैं कि बिल्कुल तनाशाह करते हैं मनमानी, अपना करते हैं मनमानी, और करोड़ों मैंने विगत मैंने इसलिए हम बोले थे असूली भी किया जाता है मोटरसाइकिल से बाइक से, सरकार की काफी पैसा वहाँ पे उन्होंने खर्च किया है, मिट्टी कवर के नाम पर भी पैसा निकाले हैं, लेकिन कहाँ मिट्टी डाले हैं, कि मिट्टी में मिट्टी डाले हैं, गड्ढा भरे हैं कि गड्ढा उजागर किए हैं, पता नहीं। एक बहाना होता है कि बारिश हो गई, बाकी मैंने करोड़ों की लूट की साधन हो गई गुप्ता धाम, और DFO साहब बिल्कुल मनाशाही और तनाशाह हो गए हैं। आने वाला समय भी घटना का अंजाम बन सकता है, बिल्कुल रोज बनेगा, पता नहीं।